नमस्कार दोस्तों, सिविलस्टैब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पिछले 2016 का प्रश्न पत्र है, हिमाचल हिंदी पीजीटी का जो हमारे पास प्रश्न पत्र है 2016 का, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस परीक्षा से संबंधित जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें ये अनुमान हो जाता है कि हमें किस प्रकार के जो प्रश्न है परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पैटर्न क्या था परीक्षा का, वो भी हमें पता लग जाता है। और जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न, जैसे कि आपको पता है महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कई प्रश्न जो आपको भविष्य में होने वाली परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो 2016 का ये जो प्रश्न पत्र हम इसको जब हल करेंगे, इसमें से कई जो प्रश्न होंगे आपको वो परीक्षा में देखने को, आगे जो भविष्य में परीक्षा होने वाली है आपकी, हिमाचल हिंदी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को ध्यान से, इसके जो प्रश्न है इनको समझिएगा, ध्यान से प्रयास कीजिएगा इनके जो हमारे पास उत्तर है उन उत्तरों को याद रखने का। ठीक है, इस प्रश्न पत्र को बार बार देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो इसमें सारे के सारे प्रश्न है 2016 का, जो आपको पता है हिमाचल हिंदी पीजीटी का कमीशन है, उसके बाद अभी जो आगे आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इससे बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी अपनी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारे पास जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है। पहला प्रश्न है ये, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, ये जो पंक्ति है किसकी है। विकल्प है हमारे पास बिहारी, पद्माकर, घनानंद या रसखान। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प क्या है, इसका जो सही विकल्प हमारे पास है बिहारी। बिहारी जी की ये जो पंक्ति है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, आइए देखते हैं पूरी की पूरा, ये जो पूरी की पूरी पंक्तियां क्या है, ये जो पंक्तियां हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद शरीर, मन है जात अजो बस बहो वा जमुना के तीर। तो इसमें जो बिहारी जी क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो यमुना का तट है, यमुना का तीर, यमुना तट पर जो वहां का मनमोहक वातावरण है, उस वातावरण को यहाँ पे उन्होंने उसकी व्याख्या की हुई है कि किस प्रकार वहां के जो वृक्ष हैं वो ठंडी छाया दे रहे हैं। यमुना के तट पर जो वृक्ष हैं ठंडी छाया दे रहे हैं, वहां की जो समीर जो हवा है वो कितनी मधुर, उसमें एक सुगंध है और वो सारे का सारा वातावरण कृष्ण कृष्ण नाम में मगन है। तो इस तरह के वातावरण को देखकर, इस तरह के वातावरण को देखकर मेरा मन भी प्रफुल्लित हो गया है। ठीक है, तो मतलब भगवान कृष्ण की जो, भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित ये जो पंक्तियां हैं, जिसमें यमुना तट पर जो वातावरण है भगवान कृष्ण के प्रेम में, किस प्रकार पेड़, किस प्रकार जो हवा है वो कैसे मंत्रमुग्ध हो गई है, कैसे वो प्रफुल्लित है, उस वातावरण को देखकर बिहारी जी बोले हैं मेरा मन भी प्रफुल्लित हो गया है। ठीक है जी, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है बंगारू, मेरठी, कौरवी या पेशाची। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है, तो दोस्तों इसका सही विकल्प है कौरवी। जो कौरवी इसका सही विकल्प है, ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है और खड़ी बोली से तात्पर्य उस बोली से है जिसमें ब्रज भाषा और अवधि भाषा का प्रभाव ना हो। ठेठ हिंदी जिसे बोला जाता है, इसमें अवधि और ब्रज भाषा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, मेरठ में, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, ठीक है, और अंबाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये जो भाषा बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है जी, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह के हिंदी के पक्षधर थे। राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह के हिंदी के पक्षधर थे, हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी या उर्दू मिश्रित हिंदी। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हमारे पास है संस्कृत निष्ठ हिंदी। संस्कृत निष्ठ हिंदी के
पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। मतलब कि इन्होंने हिंदी को, हिंदी का स्तर इतना ऊंचा करने का प्रयास किया, संस्कृत, जो संस्कृत भाषा है उसके स्तर तक हिंदी को पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है जी, राजा लक्ष्मण सिंह का जो 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 14 जुलाई 1896 ईस्वी तक इनका जो जीवन काल रहा। उसके बाद इन्होंने हिंदी संस्कृत के अनुकूल, संस्कृतनिष्ठ बनाने की चेष्टा की, हिंदी को संस्कृत के समान बनाने का प्रयास किया। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूत जो संस्कृत के नाटक हैं, इन नाटकों का हिंदी में क्या किया, रूपांतरण किया। हिंदी में मतलब ये जो सारे के सारे संस्कृत के नाटक, इनको हिंदी में रूपांतरित किया, क्योंकि इनका उद्देश्य था हिंदी को संस्कृत तक पहुंचाने का। जैसे संस्कृत भाषा सम्मान पूर्वक भाषा, संस्कृत का जितना सम्मान किया जाता है, जिस प्रकार संस्कृत की भाषा को माना जाता है, वहां तक हिंदी को पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ध्वनि संप्रदाय मम्मट, भोज राज, शमेंद्र या आनंदवर्धन? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन से संबंधित है। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय क्या है, इसमें स्फोट, ध्वनि जो संप्रदाय है ये स्फोट सिद्धांत पर आधारित है। स्फोट सिद्धांत, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि दिवाली पे हम लोग पटाखे चलाते हैं, तो जब हम पटाखा चलाते हैं, कोई बम चलाते हैं, जब वो फूटता है, ठीक है, तो स्फोट होता है उसमें, उसमें से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि सिद्धांत पे इसी पे आधारित है कि जब शब्दों में विस्फोट होता है तब क्या होती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे कि मंदिर का घंटा बजता है, घंटे विस्फोट जैसे उसको बोलते हैं, जैसे वो आवाज करता है, आपस में टकराता है और ध्वनि निकलती है। तो ये इसी सिद्धांत पर जो आधारित है। ठीक है जी, उसके बाद है प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्रतिभा को काव्य रचना में किसके अंतर्गत, मतलब कि काव्य रचना के लिए प्रतिभा को कहां रखा जाता है? काव्य रचना के लिए प्रतिभा होनी आवश्यक है ना, तो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु या काव्य आत्मा। ठीक है, कि इनमें से प्रतिभा को किसके अंतर्गत रखा जाता है काव्य रचना में? ठीक है, तो इसका विकल्प है दोस्तों काव्य हेतु। काव्य हेतु के अंतर्गत रखा जाता है प्रतिभा को काव्य रचना में। प्रतिभा क्या होती है, देखिए काव्य को रचने के लिए कवि में प्रतिभा है। कोई भी काव्य रचा जाता है, कवि लेखक किसी भी काव्य को रचते हैं, क्यों रचते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा है। हम रचना नहीं कर सकते, हम कविता नहीं लिखते हैं, हमने कभी कोई नाटक नहीं लिखा, कभी कोई उपन्यास नहीं लिखा, क्योंकि हमें उस प्रकार की प्रतिभा नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रतिभा है वो जन्मजात होती है, प्रतिभा को सीखा नहीं जाता। अगर जैसे कि उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि अगर हम गाना गाना चाहते हैं, तो गाने की कला तो आप सीख सकते हैं, परंतु जो आवाज है वो जन्मजात ही आपके पास, आवाज में मधुरता है वो जन्मजात ही होगी। ठीक है, उसको सीखा नहीं जा सकता, आवाज को मधुर जो है वो उतना मधुर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, प्रयास करने से कुछ मधुरता आ जाएगी, परंतु जिसको बोलते हैं गॉड गिफ्टेड वॉइस बोलते हैं, ठीक है, कि परमात्मा की देन है, भगवान की देन है, ये जन्मजात इसकी आवाज बहुत सुंदर है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार आवाज हम सीखने से मधुर नहीं कर सकते, उसी प्रकार प्रतिभा को सीखा नहीं जा सकता। काव्य रचना तो, कि काव्य को किस प्रकार लिखा जाए उसके आप चरण देख लेंगे कि इस प्रकार काव्य की रचना की जाती है, परंतु प्रतिभा कहाँ से लाएंगे? प्रतिभा जो होती है जन्मजात ही होती है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने घर में बच्चों में देखा होगा, किसी में कुछ, कोई बहुत अच्छा बोलता है उसमें वो प्रतिभा है। ठीक है, कि कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है उसमें वो प्रतिभा, उनको वो चीजें सिखानी नहीं पड़ती। हाँ, उनमें प्रतिभा है तो उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। ठीक है, परंतु प्रतिभा जो होती है जन्मजात ही होती है। तो प्रतिभा इसमें क्या है, इसमें क्या है कि लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश, ये सारी की सारी जानकारी होना प्रतिभा के अंतर्गत ही आता है। कि काव्य रचना होता है, काव्य रचना के लिए आप में शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान,
लोक व्यवहार ये सारे के सारे जो गुण है वो सीखने पड़ते हैं। ये आप प्रतिभा होगी तो ये चीजें सीखने से आप काव्य रचना कर सकते हैं। उसके बाद है काव्य शास्त्री आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताएं। ठीक है, काव्य शास्त्री आचार्यों का काल क्रमानुसार सही जो यहाँ पे अनुक्रम कौन सा है, विकल्प ए है हमारे पास वामन, अभिनव गुप्त, मम्मट या आनंद वर्धन। वामन आनंद वर्धन मम्मट या अभिनव गुप्त, वामन मम्मट अभिनव गुप्त या आनंद वर्धन, वामन आनंद वर्धन अभिनव गुप्त या मम्मट। तो काल क्रम अनुसार हमें इनको सही जो है काल क्रम अनुसार इनको सही क्रम में लगाना है। इनमें से कौन सा जो क्रम सही है, तो दोस्तों इनमें से जो विकल्प हमारा घ ये सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि वामन आठवीं शताब्दी में, आनंद वर्धन नौवीं शताब्दी में, अभिनव गुप्त दसवीं शताब्दी और मम्मट ग्यारहवीं शताब्दी में हुए हैं। तो काल क्रम अनुसार वामन आनंदवर्धन अभिनव गुप्त और मम्मट यहाँ पे बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रस में साधारणीकरण के व्याख्याता कौन है, रस में साधारणीकरण, ठीक है, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त। हाँ जी दोस्तों बताएं कि इसमें क्या हो सकता है विकल्प, रस में साधारणीकरण के विख्याता कौन है, किन्होंने साधारणीकरण रस में साधारणीकरण के बारे में बताया है, तो दोस्तों वो है भट्टलोलट। भट्टलोलट ने रस में जो है साधारणीकरण के संबंध में जो व्याख्या की है। साधारणीकरण क्या होता है, साधारणीकरण वो परिस्थिति होती है जब पाठक में मैं का भाव खत्म हो जाता है। हमने इसको पढ़ा है पीजीटी में, पूरे का पूरा एक विषय है उसमें अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है, जब मैं का भाव समाप्त हो जाता है उसको बोला जाता है साधारणीकरण की स्थिति। देखिए जब हम कोई नाटक देखते हैं, जब हम कोई नाटक देख रहे हैं तो उस नाटक को देखते हुए उसमें जो कलाकार अभिनय कर रहे होते हैं तो कई बार हमें क्या लगता है कि जो वो कलाकार अभिनय कर रहा है, जिस प्रकार का वो जीवन जी रहा है नाटक में, हमें लगता है कि वो सारी की सारी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। वो हमें लगता है कि वो वहां पे वो पात्र नहीं है, उस पात्र के स्थान पर वो मैं ही हूं, मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। तो वहां पे क्या हो जाता है, पात्र और मुझ में जो भाव है वो खत्म हो गया। जब जो उसमें अभिनय करने वाला पात्र है और जो पाठक है, दोनों एक दूसरे के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जब एक दूसरे के उनमें मैं और पात्र वाला भाव खत्म हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, उस स्थिति को बोला जाता है साधारणीकरण। ठीक है जी, आगे चलते हैं। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है, काव्य रचना में उदात्त तत्व, प्लेटो, लोजाइंस, अरस्तु या क्रोचे। तो दोस्तों इसमें से जो सही विकल्प है, लोजाइंस ने काव्य रचना में उदात तत्व को प्रमुख तत्व माना है। ठीक है, उदात वह भाव है जहां पे क्या होता है कि जहां पे उदात में ये जो पांच तत्व होंगे वहां पे उदात माना जाएगा। विचार की महत्ता, भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, उत्कृष्ट भाषा, रचना की गरिमा, ये सारे के सारे उदात के तत्व हैं। तो इनको जब यहाँ पे देखा जाएगा कि उदात ये जो सारे के सारे तत्व होंगे ये सारे के सारे उदात तत्व से संबंधित हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, कॉलरिज, एलिट, वुडवर्ड्स या रिचर्ड। तो दोस्तों इसमें से सही विकल्प जो हमारे पास है वो है एलिट। एलिट जो है निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत से संबंधित हैं। टीएस एलियट, जिनको थॉमस ट्रिंस एलियट बोला जाता है, 1888 से 1965 तक इनका जीवन काल रहा है। 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं ये, ठीक है, जो कि 1948 में इनको मिला। और आधुनिक युग की महानतम अंग्रेजी साहित्य विभूतियों में से एक हैं, पाश्चात्य कवि हैं, अंग्रेजी कवि हैं। 1948 में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टी एस एलियट। ठीक है जी, नाम भी का देख लीजिए, इनको थॉमस ट्रेंस एलियट बोला जाता है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है,
हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना, हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना सर्वप्रथम किसने की है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, वो कोई और है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम किसने की है, ठीक है। तो उसका विकल्प है हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो शिव सिंह सेंगर ने इतिहास साहित्य के इतिहास जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। हिंदी साहित्य तो इतिहास लेखन के आरंभिक ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव सिंह सरोज जो इनका सर्वप्रथम ग्रंथ है, ठीक है, 1878 में प्रकाशित हुआ और 1883 ईस्वी में इसका संशोधन कर पुनः इसका इसको प्रकाशित किया गया। देखिए दोस्तों वहां पे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपको शिव सिंह सेंगर का प्रथम ग्रंथ बताया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, शिव सिंह सरोज का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सरोज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 1878 में लिखा गया था, उसको 1883 में पुनः प्रकाशित किया गया उसको, ठीक है, संशोधन के पश्चात। उसके बाद है चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है, चंद्रवरदाई को, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या नागेंद्र। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी ये थे हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार, ठीक है। ये जो सारे के सारे इनमें गुण थे, सारे के सारे ये इनसे संबंधित रचनाएं इन्होंने की है और इन्होंने सबसे जो हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण जो है इनके इन्होंने अपने जो नामकरण इन्होंने किया है, इनका जो काल विभाजन हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ है, सबसे सटीक काल विभाजन माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जिस काल विभाजन जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे लेखकों ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया है, परंतु जहां पर बहुत सारे लेखक एक मत है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका काल विभाजन सबसे सटीक काल विभाजन माना जाता है, ठीक है जी, जो कि पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, सरपाह, विद्यापति, गोरखनाथ या अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प देखिए गोरखनाथ, ठीक है, जो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक वो गोरखनाथ जी को माना जाता है, ठीक है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, हठ योग का इन्होंने मतलब हठ योग के प्रवर्तक थे ये, हठ योग जिसे माना जाता है, जैसे कि तप करते थे, आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो है तप करते थे, तपस्या करते थे, जहां पे मतलब शरीर जहां तक सीमा है शरीर को सहने की, उस सीमा से भी ऊपर हो जाना, ठीक है, हट कर शरीर की क्षमता से भी ऊपर जाके उसको बोला जाता है हठ योग, ठीक है। तो हठ योग का इन्होंने किया, ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता एवं मद मास के त्याग का आग्रह इन्होंने किया। इनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इनकी भाषा संधा भाषा कहा जाता है, दोस्तों इसको याद रखिएगा। देखिए इतनी से गद्यांश में आपको कितनी सारी चीजें जानने को मिल गई। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, गुरु गोरखनाथ जो है पतंजलि योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया इन्होंने, पतंजलि योग को, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता और मदिरा और मांस का त्याग करने के लिए इन्होंने कहा। उसके बाद इनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, कि जो जो हमारे शरीर में है वही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उसमें भी वही है, ठीक है।
कि जो हमारे अंदर है ब्रह्मांड में भी वही है, चाहे वो परमात्मा की बात करें, हमारे अंदर जो परमात्मा है वही ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में भी वही परमात्मा है, ठीक है। और इनकी भाषा संधा भाषा कहा जाता है, याद रखिएगा संधा भाषा इनकी भाषा है, ठीक है। उसके बाद भला हुआ जो मार्या बहिणी महारा कंतु, पंक्ति का रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा या भट्ट केदार? तो दोस्तों इसका सही विकल्प देखिए हेमचंद्र। जो भला हुआ जो मार्या बहिणी महारा कंतु, ये जो पंक्ति है हे, जो जो हमारी हेमचंद्र द्वारा रचित है, आचार्य हेमचंद्र, जो इनका 1145-1229 जो ईस्वी इनका जो काल है, कली काल, सर्वज्ञ महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे ये, ठीक है जी। उसके बाद है कविता कौमदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमदी के संग्रहकर्ता श्यामदास, राहुल संकृत्यायन, नागेंद्र या राम नरेश त्रिपाठी? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है जी। कविता कौमदी हिंदी के लोकप्रिय राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये। उसके बाद यह उन 15,000 से भी अधिक लोकगीतों का संग्रह है, इसमें क्या है 15,000 से भी अधिक लोकगीत इसमें संग्रहित हैं। कौन से 15,000 लोकगीत? जिनको त्रिपाठी जी ने 1925 से लेके 1930 के बीच अवध के गांव गांव में घूमकर जिनको संग्रह किया, ठीक है, 1925 से लेके 1930 के 30 में इन्होंने क्या किया, अवध में गांव गांव घूमे, वहां पे इन्होंने जो संग्रह किया, सन 1928 को इन्होंने प्रकाशित, इनकी पुस्तक जो प्रकाशित की गई, ठीक है, इसमें और इसकी जो प्रथम जो कॉपी जिसको बोल सकते हैं, प्रथम प्रति जो है महात्मा गांधी जी को भेंट की गई, महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत बड़ा इस सराहना की थी, इस प्रयास की सराहना की थी कि बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि इसमें जो है देखिए मेन इसमें क्या था कि त्रिपाठी जी ने 1925 से लेके 1930 के बीच अवध के गांव गांव में घूमकर इन्होंने ये संग्रह किया था, 15,000 से भी अधिक लोक गीतों का संग्रह किया था, वो इनमें प्रकाशित है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, इनमें से कौन जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी, केशव बिहारी, श्याम बिहारी या सुखदेव बिहारी? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है केशव बिहारी। केशव बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, ठीक है। गणेश बिहारी कौन कौन आता है इसमें? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, ठीक है, सुखदेव बिहारी, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे क्या करते थे, ये मिश्र बंधु क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी रचना को ये इकट्ठे मिलकर करते थे, ठीक है जी, एक साथ मिलकर करते थे। मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न इनके महान ग्रंथ है, इसलिए इनको मिश्र बंधु बोला जाता है। कोई भी रचना करेंगे इकट्ठे मिलकर करते थे, और इनमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है, यहाँ पे इनके नाम है। उसके बाद आगे चलते हैं, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्स दातासी, राहुल संकरदायन? इनमें से किसने कहा है कि भक्ति आंदोलन ईसाइयों की देन है, ठीक है? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये बात कही है कि जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाइत की देन है, ठीक है जी। उसके बाद आगे है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रथम है सूर, तुलसीदास, दादू, मीरा। दूसरा विकल्प है सूर, तुलसीदास, मीरा, दादू, या तुलसीदास, सूर, दादू, मीरा, तुलसीदास, सूर, मीरा, दादू। तो इनका सही विकल्प हमें बताना है जो जन्म के अनुसार। तो दोस्तों सही विकल्प है सूर, तुलसीदास, मीरा और दादू, सही विकल्प ये है, ठीक है। सूर जो है 1478 में, मीराबाई 1516, तुलसीदास 1532, दादू दयाल 1544। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो
जो हम आंसर की के अनुसार बोल सकते हैं वो ये दिया गया है, ठीक है। परंतु असल में जो सही क्रम है वो ये है, ठीक है, कि सूरदास जी पहले हुए हैं 1478 में, उसके बाद मीराबाई 1516 ईस्वी में, तुलसीदास 1532 में और दादू दयाल 1544 में, ठीक है। तो ये सही क्रम है, यहाँ पे तुलसीदास जी को इसमें क्या है कि तुलसीदास जी को पहले कर दिया गया है, जबकि मीराबाई यहाँ पे पहले हैं सूरदास जी, उसके बाद फिर हमारे पास मीराबाई आती हैं, फिर तुलसीदास जी आते हैं, फिर दादू दयाल, ठीक है। तो ये इनका जन्म के अनुसार सही क्रम है, ठीक है जी। परंतु विकल्प उसमें ये था, तो विकल्प के अनुसार यही उत्तर जो फिर वहां पे लगाना था। उसके बाद आगे आता है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है, कबीर जी, नानक जी, नामदेव जी या दादू, तो इनमें से किसने कहा है मन मेरा सुई तन मेरा धागा? तो दोस्तों नामदेव जी ने ये कहा है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत हुए हैं, नामदेव जी भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। इनके समय में नाथ और महाअनुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था, ठीक है, कि जब इनका जन्म हुआ तो मतलब इनका समय था नाथ और महाअनुभावों का महाराष्ट्र में प्रचार था। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 जो ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्ण नदी के किनारे बसे नरसिंहवाणी नामक गांव में एक शिंपी जिसे छिपा हुआ कहते हैं के परिवार में हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से काशिम शाह की रचना, इसमें से काशिम शाह की रचना कौन सी है, हंस ज्वारी, चंदाइन, सरस्वती कथा या मृगावती? काशिम शाह की रचना हमें बतानी है वो है हंस जवाहिर। काशिम शाह दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे, संवत 1788 ईस्वी में, लगभग 1788 में, ठीक है। और काशिम शाह ने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की जो कथा है, ठीक है, उसी पर आधारित प्रश्न था। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, इनमें से किसको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, शंकराचार्य को, रामानुचार्य को, रामानंद को या बल्भाचार्य को? तो दोस्तों सही विकल्प क्या है इसमें से, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे, जन्म इनका प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, ठीक है, इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत उत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे, ठीक है, आकाश धर्मा गुरु थे ये, और उच्च कुल में उत्पन्न ये ब्राह्मण थे। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है, विशिष्टाद्वैत, द्वैत द्वैत, द्वैताद्वैत या शुद्धाद्वैत, ठीक है। तो इसमें से सही विकल्प क्या है, निम्बकाचार्य का जो हमें संबंध बताना है तो उनका संबंध था द्वैता द्वैत से, ठीक है जी, द्वैता द्वैत से इनका संबंध था। इनका मत स्वाभाविक द्वैता द्वैता द्वैत या स्वाभाविक भेदा भेद के नाम से जाना जाता है, स्वाभाविक भेदा भेद के नाम से भी इसे जाना जाता है। आचार्य निम्बकाचार्य के अनुसार जीव जगत और जो ब्रह्मांड है में वास्तविक रूप से भेदभाव भेदाभेद संबंध है। जीव जगत और ब्रह्मानंद में आपस में क्या है, भेदाभेद संबंध है, भेद है भी, भेदाभेद मतलब कि भेद है भी और भेद नहीं भी है, ठीक है, कि ना मतलब जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जीव जगत और जो ब्रह्म है इनमें संबंध है, आपस में संबंध है भी और नहीं भी है। कैसे, निम्बकाचार्य ने इन तीनों के अस्तित्व को उनके स्वभाव गुण अभिव्यक्ति के कारण भिन्न मानते हुए तात्विक रूप से एक होने का बोला है, ठीक है। जब वो गुणों के आधार पर देखते हैं तो एक हैं, जब हम क्या करते हैं, गुणों के आधार पर देखते हैं तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु जब हम तत्व के आधार पर बात करते हैं तो ये इनको अभिन्न माना गया है, एक ही है, ठीक है। उसके बाद है,
तुरतिये नरतिये नगतिये सब चाहित असी होए गोद लिए तुलसी फिरे। यहाँ पे तुलसी गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। ठीक है, इसमें क्या है सुरते नरते नागतिये सब चाहित असी हुए गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए। तो इस दोहे के कवि कौन है, सूरदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी या रसखान जी। तो दोस्तों इसके जो रहीम जी, इसके जो रहीम जी द्वारा लिखा गया दोहा है, प्रश्न पत्र को देखते ही क्या करते हैं ज्यादातर तुलसी जी का नाम यहाँ पे देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित ये दोहा है, परंतु ऐसा नहीं होता हर बार। ठीक है कि ये दोहा है रहीम जी द्वारा लिखित दोहा है, सुरते नरते नागते सबके मन अस होए। ठीक है, इसका आशय है कि चाहे देवता, देवताओं की पत्नियां हो, चाहे महिलाएं हो या नागवंश में भी नागिन हो, उन सभी को धन संपत्ति जेवर मणि आदि अच्छे लगते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। अर्थात इसके पीछे एक कहानी है, बता देता हूं आपको कहानी कि इसमें क्या है। एक बार तुलसीदास जी के पास एक कोई गरीब वहां पे आया, ठीक है, उसकी बेटी की शादी थी। जब उसकी बेटी की शादी थी तो उसके पास वो इस आशा से आया कि तुलसीदास जी मेरी धन से कुछ जो धन देकर मेरी सहायता करेंगे। परंतु जब तुलसीदास जी ने देखा, तुलसीदास जी तो खुद आपको पता है कि वो साधु संत थे, उनके पास संपत्ति तो थी नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि मेरे पास तो धन है नहीं, इनकी सहायता कैसे की जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने मित्र रहीम जी के पास भेजा। रहीम जी उस समय जो एक राजा थे उसके दरबार में कवि थे, ठीक है जी। तो उनके पास भेजा तो वहां पे और उनको पर्ची में कुछ लिख के दिया। तुलसीदास जी ने पर्ची में लिखा और बोला कि रहीम जी के पास जाना, उनको ये पर्ची देना और वो आपकी सहायता कर देंगे। तब जब वो व्यक्ति वहां पर गया, रहीम जी ने उस पर्ची को पढ़ा तो उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि सुरते ही नरते ही नागते ही सब चाहत असी होए। ठीक है, क्या सुरते ही कि जो सुर, सुरते ही मतलब जो सुर देवताओं की पत्नी होती है, नरते ही जो नर इंसानों की पत्नी होती है, या फिर नागते ही जो नाग लोग नागिन होती है, नाग लोग, ठीक है, नागिन होती है, जो सबको क्या है, सबके मन में ये होता है कि उसके पास जेवरात हो, धन हो, दौलत हो, सबके मन में ये आशा होती है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है, रहीम दास जी समझ गए कि संपत्ति की बात की गई है तो इन्हें धन की आवश्यकता, तो उन्होंने उनके धन की जितना हो सकता है धन से उस व्यक्ति की पूर्ण सहायता की। और साथ में पर्ची में फिर से एक पर्ची में लिखा और बोला कि इस पर्ची को तुलसीदास जी को वापिस कर दीजिएगा। फिर वो व्यक्ति जब तुलसीदास जी के पास पर्ची लेके आया और तो उस पर्ची में तुलसीदास जी ने पढ़ा तो उसमें लिखा गया था गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, कि उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संपत्ति ही हर नर, चाहे वो देवताओं की पत्नी हो, चाहे वो इंसान मतलब नरते हो, ठीक है, या फिर नागलोक की स्त्री हो, सबको धन की आवश्यकता नहीं होती, सब को धन नहीं चाहता है। वो भी व्यक्ति वहां पे, वो माता भी धन्य है, वो माता भी संतुष्ट हो जाएगी, धन संतुष्ट नहीं कर सकता, वह माता भी संतुष्ट हो जाएगी जिसका तुलसी जैसा सुत हो, तुलसीदास जी जैसा जिसका पुत्र हो, वो माता भी अपने आप को धन्य समझेगी और वो तुलसीदास जी को लेकर घूमेगी इधर उधर, क्योंकि इतना जिसको हम बोल सकते हैं कि तुलसीदास जी जैसा पुत्र प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, ये धन संपत्ति से भी ऊपर की बात है, ये जो है उसके बाद रहीमदास जी ने लिखा था, तब ये दोहा लिखा गया। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं, युक्ति तरंगणी के रचनाकार कौन है, केशवदास, चिंतामणि, सुखदेव मिश्र या कुलपति मिश्र। तो दोस्तों सही विकल्प है कुलपति मिश्र। श्री कलराज मिश्र का जन्म, ठीक है, इसमें क्या है कुलपति मिश्र, ठीक है, श्री कुलपति मिश्र जी का जन्म 1 जुलाई 1941 ईस्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांव मलिकपुर में मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है जी, वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ से एमए करने के बाद
श्री मिश्र सार्वजनिक जीवन से निरंतर सार्वजनिक जीवन में निरंतर सक्रिय रहे। ठीक है, तो इनका कुलपति मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गाजीपुर जिले के मलिकपुर गांव में। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? कौन सी रचना जो है प्यार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या प्रातः समीरन? तो दोस्तों सही विकल्प है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर जो है प्यार छंद में लिखी गई जो रचना है। अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है छंद। ठीक है, छंद क्या कहलाता है? छंद में क्या होता है कि जब हम अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति ये सबको क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं तो इसको बोला जाता है छंद। जैसे कि चौपाई, दोहा, शायरी, ये सारे के सारी ऐसी विधाएं हैं जिसमें क्रमवार से जो लिखा जाता है, मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, यति, गति, ये जो सारी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। चौपाई, जैसे कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें छंद के अधीन आती हैं। उसके बाद है खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो दोस्तों सही विकल्प क्या है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी जो कवि इनको बोला जाता है। खड़ी बोली, जैसे कि हम बोला है खड़ी बोली जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता के कारण वर्तमान हिंदी, जब संस्कृत में संस्कृत शब्दों की जो बहुलता थी, बहुत ज्यादा संस्कृत के शब्द थे और साधारण व्यक्ति उसको नहीं बोल सकते थे, उनको जो साधारण जनसाधारण था उनको बोलने में समस्या आती थी, तो धीरे धीरे क्या किया गया कि सुविधा अनुकूल हिंदी में परिवर्तन आता गया और खड़ी बोली का जो रूप है वो हिंदी में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्रवादी कवि, कवि सम्राट, जन कवि या सामंजस्यवादी कवि? शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि हैं? राष्ट्रवादी कवि हैं, कवि सम्राट हैं, जन कवि हैं या सामंजस्यवादी कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही विकल्प है हमारे पास सामंजस्यवादी कवि। ठीक है, कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जो है सामंजस्यवादी कवि हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 3 अगस्त 1776 से 12 दिसंबर 1964 ईस्वी तक इनका जो जीवन काल रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि इनको माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है जी, उसके बाद है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। आंसू, ग्रंथि, यामा, बेला या फिर ग्रंथि, आंसू, यामा, बेला या फिर यामा, बेला, आंसू, ग्रंथि या बेला, आंसू, यामा, ग्रंथि? तो दोस्तों इसमें से सही विकल्प क्या है? सही विकल्प की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास विकल्प आ रहा है ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। ठीक है, अर्थात इसका जो सही विकल्प हमारे पास है वो है ख। ठीक है, ख इसमें से सही विकल्प है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। तार सप्तक के कवियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे या नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह? इनमें से सही विकल्प हमारे पास क्या है? शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक के कवियों में ये शामिल नहीं है। तार सप्तक में गजानन, माधव मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अगे सहित 7 कवियों की कविताएं हैं। ठीक है, और तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी को किया गया था। याद रखिएगा, तार सप्तक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया है? नई कविता का नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, गजानन मुक्तिबोध, मलज या शमशेर बहादुर सिंह? तो हाँ जी बताएं, नई कविता का नाम किसके द्वारा दिया गया है?
तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, इन्होंने जो है नई कविता नाम जो दिया है, ठीक है, नई कविता। नई कविता क्या है? हिंदी साहित्य में सन 1941 के बाद उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कवियों से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया, ठीक है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा, ठीक है, प्रयोगवाद के बाद जो कवि कविता का जो नया रूप आया उसको नई कविता कहा गया, जिसमें कि जो मूल्य नए मूल्य थे, नए शिल्प विधान थे, नए अन्वेषण थे, इसलिए सब कुछ नया था, इसको नई कविता का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद है हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुरस्कार के लेखक कौन है? इनमें से देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या मधुरेश। तो दोस्तों सही विकल्प देवी शंकर अवस्थी, ठीक है, देवी शंकर अवस्थी हिंदी कहानी संदर्भ और प्राकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिसमें रचना के रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। कई बार रचनाकार के बारे में, ठीक है, कि रचना का पूछ लिया जाता है कि इस रचनाकार ने कौन सी रचना की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देवी शंकर जी के बारे में जान लेते हैं। देवी शंकर अवस्थी जी का जन्म 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव सथनी बाला खेड़ा में एक संयुक्त परिवार में हुआ था, ठीक है जी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, परिचय भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो ये जो कवि हैं इनकी जो कवि हैं इनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है, परिवार के संबंधित जो उनसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापन वर्ष क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1807 ईस्वी या 1810 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कब स्थापित किया गया? 1800 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखिए, ये जो क्या है, एक प्राचीन एक अकादमी और शिक्षा का केंद्र था जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1800 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले ने 1800 ईस्वी में की थी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद है, प्रजाहितैषी अखबार कहां से निकलता था? प्रजाहितैषी अखबार कहां से निकलता था? बनारस, कलकत्ता, आगरा या लखनऊ? प्रजाहितैषी अखबार, ठीक है। तो दोस्तों आगरा से प्रजाहितैषी अखबार निकलता था, आगरा से, और राजा लक्ष्मण सिंह ने यह पत्र आगरा से सन 1855 ईस्वी में निकाला था, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने, याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से 1855 में यह पत्र निकाला था। उसके बाद है, प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है, ठीक है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक जो है राज तरंगिणी पर आधारित है? विकल्प है विशाखा, कामना, करुणालय या अजात शत्रु। तो दोस्तों सही विकल्प है विशाखा। विशाखा जो है वो नाटक जो राज तरंगिणी पर आधारित नाटक है विशाखा, ठीक है। और किसका नाटक लिखा हुआ है विशाखा? प्रसाद जी का नाटक, ठीक है। विशाखा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन 1921 ईस्वी में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। प्रकाशन जो है, प्रकाशन किसने किया था इसका? 1921 में भारती भंडार इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, धरती धन ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? धरती धन ना अपना उपन्यास के लेखक हमें बताना है, अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे या फिर विवेकी राय। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से क्या कौन सा है? धरती धन ना अपना उपन्यास किसने लिखा है? जगदीश चंद्र जो है इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। धरती धन ना अपना और मुट्ठी भर कांकर उपन्यास जगदीश चंद्र के द्वारा रचित है। देखिए मुट्ठी भर कांकर भी इनका ही उपन्यास है, याद रखिएगा जगदीश चंद्र जी का उपन्यास। यहाँ पे एक और प्रश्न हमने कर लिया है, जगदीश चंद्र जी का जो उपन्यास है धरती धन ना अपना,
और दूसरा है मुट्ठी भर कांकर, इनके ही उपन्यास का उपन्यास है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण, रिपोर्ताज जो किस भाषा का शब्द है, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या हिंदी, सही विकल्प क्या है इसमें से, रिपोर्ताज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज का अर्थ होता है रिपोर्ट, अंग्रेजी भाषा के शब्द रिपोर्ट से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ है आंखों देखी, ठीक है, आंखों देखी को क्या करते हैं इसमें रिपोर्ट, रिपोर्ट रिपोर्टर क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ना, कि वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पे जंग लगी है, यहाँ पे जहां पे घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, वहां पे जाकर खुद जो देखते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बताते हैं, उसको रिपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या प्रेमचंद। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है बाबू तोताराम, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। बाबू तोताराम का जन्म 1847 ईस्वी, मृत्यु दिसंबर 1902 ईस्वी में हुई थी। भारतीय साहित्यकार थे, इन्होंने हिंदी विकास तथा उनके हित साधन हेतु काफी कार्य किया। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा की भी स्थापना की। भाषा जो भाषा के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए इन्होंने भाषा संवर्धनी जो एक सभा बनाई, जिसका कार्य था जो हिंदी का विकास करना, हिंदी भाषा का विकास ज्यादा से ज्यादा हो, अधिक से अधिक हो, इसलिए इन्होंने भाषा संवर्धनी, याद रखिएगा भाषा संवर्धनी, जिसके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है, भाषा संवर्धनी सभा की ये जो संस्थापना की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक किसको मिला है, इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ज्यादा बार मिला है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत आगे या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक मिला है, ठीक है, क्षमा कीजिए यहां पर पढ़ने में गलती हो गया, सर्वाधिक नहीं, सर्वप्रथम किसको मिला है, ठीक है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम निम्न में से किसको मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको 1668 में ये पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रथम जो लेखिका थी जिनको ये पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद है निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है, आनंदमठ, दुख मोचन, सुहाग के नुपुर या विषाद मठ, ठीक है, बंगाल के अकाल पर इनमें से आधारित हमें उपन्यास बताना है, तो वो है विषाद मठ, ठीक है। विषाद मठ में बंगाल के अकाल की जो दशा है उस दृश्य को इसमें दिखाया गया, उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। विषाद मठ जो है रांगे राघव के द्वारा रचित है ये, ठीक है, रांगे राघव के द्वारा रचित विषाद मठ जो कि बंगाल के अकाल पर आधारित है। उसके बाद आगे चलते हैं कहानी, नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या सहीवा अगे, ठीक है। तो इनका जो सही विकल्प है नामवर सिंह, नामवर सिंह जो है कहानी, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी गांव चंदौली उत्तर प्रदेश, निधन इनका हुआ था 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में। हिंदी के मधुर्य आलोचक थे ये, ठीक है, आलोचक, ज्यादातर आलोचक का पद इन्होंने जो निभाया है, आलोचना से संबंधी, हिंदी की आलोचनाओं से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाएं की है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया, सानेट चतुष्पदी का प्रयोग त्रिलोचन शास्त्री ने किया, सानेट एक काव्या
रूप है जो इटालियन कविता से उत्पन्न हुआ है। यह धुन के साथ गाई जाने वाली कविता होता है। इटालियन कविता पर आधारित सानेट जिसको बोला जाता है, ठीक है, सोनेट इंग्लिश में सोनेट बोलते हैं, और ये क्या है, कविता जो है धुन पर गाई जाती है उसको बोलते हैं सोनेट। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या जैनेन्द्र। इसमें से सही विकल्प क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। परित परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है जी, ये देखिए लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, मूल शीर्षक है प्रति परिकथा, प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, प्रकाशन तिथि 21 सितंबर 1957, ठीक है, 21 सितंबर 1957 को इसको जो प्रकाशन किया गया था। उसके बाद है आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। आस्था के चरण निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, राम विलास शर्मा या नगेंद्र। तो दोस्तों सही विकल्प है नगेंद्र। आस्था के चरण जो नागेंद्र के निबंध संग्रह है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर नागेंद्र का जन्म हुआ था 9 मार्च 1915 को अरतोली में हुआ था, मौत हुई थी 27 अक्टूबर 1999 को नई दिल्ली में। प्रसिद्धि का कारण था रस सिद्धांत। रस सिद्धांत से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं, पुरस्कार सहित अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है जी, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है। झोपड़ी के झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे या जूठन। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है अपने अपने पिंजरे, जो हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। मोहनदास नैमिषारण द्वारा रचित आत्मकथा हिंदी साहित्य की पहली दलित आत्मकथा इसको माना जाता है। ठीक है, मोहनदास नैमिषारण की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे दो भागों में लिखी गई है, 1955 में प्रथम भाग और दूसरा भाग 2000 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था, इसको प्रकाशित हुए ये। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार जो इनमें से कौन है जिसने की प्रेमचंद जी के जीवनी के संबंध में नहीं लिखा है। ठीक है, अमृत राय, हंसराज, रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। तो इनमें से कौन है जिसने प्रेमचंद की जीवनी के संबंध में कुछ नहीं लिखा है। तो दोस्तों वो है हंसराज रहबीर। हंसराज रहबीर जो है इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। बाकियों को याद रखेगा, इनको छोड़कर, हंसराज रहबीर को छोड़कर अमृत राय, शिवरानी देवी और मदन गोपाल सबने प्रेमचंद की जीवनी के संबंध में लिखा है। ठीक है, उसके बाद है जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह या रघुवीर सहाय। तो दोस्तों सही विकल्प इसमें से है केदारनाथ सिंह। ठीक है, जमीन पक रही है, कवि केदारनाथ सिंह के जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस आदि कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, और हिंदी के ये मतलब दसवें ऐसे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी में सम्मानित किया गया, दसवें ये जो लेखक है। ठीक है जी, उसके बाद है निम्नलिखित में आत्मजयी के रचनाकार कौन है। निम्नलिखित में आत्मजयी के रचनाकार नागार्जुन, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी या नरेश मेहता। तो दोस्तों सही विकल्प है कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण जो है आत्मजयी के रचनाकार हैं। आत्मजयी ने हिंदी साहित्य के मानखंड काव्य के रूप में अपनी एक खास जगह बनाई, और यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रशंसित एक असाधारण कृति है। ठीक है जी, असाधारण कृति है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छी कृति जो इसको माना जाता है, जो आत्मजयी, ठीक है, और कुंवर नारायण द्वारा रचित है आत्मजयी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा गया है।
जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति या तुलसीदास। ठीक है, निराला जी की हमें बतानी है कौन सी शोक गीत है इसमें से, कौन सी रचना जो शोक गीत है। तो दोस्तों सरोज स्मृति जो शोक गीत है, निराला जी ने जो लिखी है शोक गीत। ठीक है, सरोज स्मृति 1935 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई एक लंबी शोक गीत कविता है, जो कि उनकी पुत्री के देहांत, जो उनकी पुत्री थी सरोज, ठीक है, उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके दुख में उस अपनी पुत्री को याद करते हुए इस कविता को लिखा, इसलिए शोक गीत है। बहुत ही लंबी ये शोक गीत, बहुत लंबी ये कविता है। ठीक है जी, उसके बाद है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ है, इलाहाबाद, पटना, भोपाल या लखनऊ। तो दोस्तों सही विकल्प है हमारे पास लखनऊ। ठीक है, कि प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इसकी जो अधिवेशन में प्रेमचंद जी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अधीन 9-10 अप्रैल 1936 ईस्वी को ये जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसमें प्रेमचंद और जैनेन्द्र जैसे महान रचनाकार इसमें शामिल थे इस अधिवेशन में। उसके बाद है यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार इनमें से कौन सा है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या केदारनाथ अग्रवाल। मतलब कि यात्री नाम से इनमें से कौन है जो कविताएं लिखता था, तो दोस्तों वो है नागार्जुन। नागार्जुन जी यात्री नाम से भी अपनी हिंदी में कविताएं लिखते थे। नागार्जुन का असली नाम याद रखिएगा, उनका असली नाम था बैजनाथ मिश्र। ठीक है, बैजनाथ मिश्र था, हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपन्यास से ये जो है अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक है जी, यात्री नाम से मैथिली में ये जो रचनाएं लिखते थे, और नागार्जुन इन्होंने क्या किया है कि नागार्जुन तथा यात्री दो नामों से ये क्या करते थे, अपनी रचनाएं लिखते थे। उसके बाद है स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है, स्वर्ग की झलक राजकुमार वर्मा, माफ कीजिए रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क या लक्ष्मी नारायण लाल। स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक जो है उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी है। ठीक है जी, उपेंद्रनाथ अश्क 1910 से लेकर 19 जनवरी 1996 ईस्वी तक इनका जो काल रहा है, जीवन रहा है, उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार रह चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं,